आईपीएल का वो काला सच या धंधा जो हम आम लोगों से छिपाया जाता है, सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे आप। आईपीएल जीतने वालों को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कप ना जीत कर भी हर एक टीम कई 100 करोड़ रुपए कमाती है और उसके पीछे के राज का आज हम करेंगे खुलासा। एक टीम पैसे कैसे कमाती है ये जानने से पहले हमें थोड़ा आईपीएल और बीसीसीआई के बारे में जानना होगा। बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जो आईपीएल को मैनेज भी करती है। बीसीसीआई के अलावा आईपीएल के 3 और अंग है, पहला जिसमें टीवी दिखाया जाता है, दूसरा आईपीएल टीम्स और तीसरा है स्पॉन्सर जो एड चलता है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई के पैसे कमाने का एक मेन तरीका टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब इस समय टाटा आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। आईपीएल के शुरुआती सीजन्स में डीएलएफ इसका टाइटल स्पॉन्सर था, इसके बाद ये पेप्सी, फिर वीवो और ड्रीम 11 आईपीएल बना। ये कंपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को मोटा पैसा देती है, जैसे टाटा ने 2500 करोड़ रुपए दिए 5 साल के स्पॉन्सरशिप के लिए। अब इस पैसे में से 50% बीसीसीआई खुद रख लेती है और 50% टीम्स में बांट देती है। दूसरे कमाई के तरीकों में बीसीसीआई पैसों के बदले आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचती है। आईपीएल के पहले 10 सीजन्स में सोनी के पास इसके मीडिया राइट्स थे, जिसने 10 सालों में कुल 8200 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए। अगले 5 सालों के लिए यानी 2023 से 28 तक के मीडिया राइट्स के लिए बीसीसीआई को स्टार और वायकॉम से 48390 करोड़ रुपए मिले। अब जाहिर सी बात है कि जब ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा भी कमाते होंगे। यह कमाई मैच के बीच दिखाई जाने वाली एडवर्टाइजमेंट से होती है। अगर आईपीएल के दौरान आपको स्टार स्पोर्ट्स पर सिर्फ 10 सेकंड की एड दिखानी है तो उसके लिए आपको 17 से 18 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। इन टीम्स के पास कमाई के दूसरे जरिया भी होते हैं, जैसे टीम स्पॉन्सर्स। औसतन एक आईपीएल टीम की जर्सी पर 10 लोगो होते हैं, स्पॉन्सर्स टीम को इसके लिए पैसे देते हैं। इसके अलावा जब किसी टीम के होम ग्राउंड पर मैच होता है तो उसकी जो टिकट सेल होती है उसका भी उसे 80% शेयर मिलता है। हर टीम लगभग 7 मैचेस होम ग्राउंड पर खेलती है, मगर इस तरीके से एक मैच से 4 करोड़ रुपए तक कमाती है। इसके अलावा आईपीएल विनर को 20 करोड़, रनर अप को 13 करोड़, क्वालिफायर को 2 करोड़, हारने वाली टीम को 7 करोड़ और एलिमिनेटर से बाहर होने वाली टीम को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस प्राइज मनी का 50% ओनर के पास चला जाता है और बाकी बचा हुआ खिलाड़ियों के बीच बांट दिया जाता है। एक खिलाड़ी ऑक्शन में तो पैसे कमाता ही है, पर अगर वो आईपीएल जीत गया तो उसे और कमाई भी होगी। लेकिन एक टीम ओनर को असली फायदा इन सब पैसों से नहीं बल्कि टीम की ब्रांड वैल्यू से मिलता है। अगर कोई टीम आईपीएल जीतती है तो इससे उसका फैन बेस बढ़ता है, जिससे स्पॉन्सर्स उस पर्टिकुलर टीम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी ब्रांड वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना पैसा कमाएंगे। इसके अलावा टीम के साथ जुड़े हुए इंडिविजुअल्स भी इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे एक भी टाइटल ना जीतने के बाद भी सिर्फ कोहली के कारण आरसीबी की ब्रांड वैल्यू काफी हाई है। इसी तरह शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज जब किसी टीम के ओनर होते हैं तो भी उसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता है। इसके अलावा कई टीम अपने शेयर्स भी बेचती है, जैसे सीएसके में 35% स्टेक एलआईसी का है। इसी तरह राजस्थान रॉयल्स ने भी अपना 50% रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स को बेच दिया। ये भी इनकी कमाई का एक मेन जरिया है और इस तरह ये सभी टीम हर साल अरबों रुपए कमाती है। हालांकि इनमें भी जो टीम जितनी ज्यादा फेमस होती है उसकी उतनी ज्यादा कमाई होती है। अब हम कह सकते हैं कि आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई कुछ इस तरह पैसा कमाती है।